नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार विनोद स्वागत करता हूं आपका एक और न्यू वीडियो में। तो दोस्तों आपको बता दें कि ब्रह्मास्त्र मूवी का जादू पूरी दुनिया में चल पड़ा है। उसे मूवी ने रिकॉर्ड बना दिया है ताबड़तोड़ कमाई करने का। आपको बता दें कि ब्रह्मास्त्र मूवी को पूरी दुनिया में पसंद किया जा रहा है और आलिया भट्ट की तीनों मूवी है जो हिट गई थी। आपको याद होगा कि आलिया भट्ट की RR है और गंगूबाई और अब ब्रह्मास्त्र तीनों मूवी है जो हिट गई है और 200 करोड़ के क्लब में शामिल हो गई है। तो आपको बता दें कि जो ब्रह्मास्त्र मूवी है उसने भी 200 करोड़ से ऊपर की कमाई कर ली है। तो आपको पूरी सच्चाई बताएंगे इस फिल्म ने कितनी कमाई की है और आगे कितनी कमाई कर लेगी, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अयान मुखर्जी के डायरेक्शन में बनी ब्रह्मास्त्र मूवी सबके दिलों में बस गई है। वैसे आपको पता होगा कि बॉलीवुड में बायोकोट का जो ट्रेंड चल रहा था, पर उस बायोकोट के ट्रेंड को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि जो ब्रह्मास्त्र मूवी है वो भी बायोकोट हो जाएगी और फ्लॉप हो जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। ये मूवी है जो हिट है चली गई, क्योंकि इसका जो बनाने का तरीका है वो हॉलीवुड के जैसा था। ये मूवी हॉलीवुड के नज़रिए में आ गई और लोगों ने इसे बहुत ज़्यादा पसंद किया। हालांकि कई लोगों को ये मूवी है जो समझ नहीं आई, पर इसमें जो एक्शन वाले सीन थे ना वो सबको पसंद आए और ये मूवी हिट बन गई। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो बॉलीवुड के बायोकोट से ट्रेंड से बाहर निकल कर इस मूवी ने ताबड़तोड़ कमाई की है और अब तक यानी कि इसका जो दूसरा रविवार चल रहा है और दूसरे रविवार में इसने 200 करोड़ की कमाई कर ली है और सुनने में आ रहा है कि दूसरे हफ्ते में ये मूवी 250 करोड़ की कमाई कर लेगी। हाँ दोस्तों आपको बता दें कि ये मूवी है जो 250 करोड़ तक की कमाई कर लेगी और आलिया भट्ट और रणवीर की जो मूवी है वो हिट जाएगी, क्योंकि उनके लिए 2022 है वो लकी था और 2022 में जितनी भी मूवी आई आलिया भट्ट की वो सारी मूवी 200 करोड़ के क्लब में शामिल हो गई। तो दोस्तों आप अपनी राय जरूर देना, ये मूवी कितनी चलेगी आगे या बायोकोट है होने का इसको भी चांस है, तो आप अपनी राय जरूर देना। बाकी इस मूवी ने अच्छी कमाई कर ली, अच्छा बिजनेस चला लिया है अपना, जितना बजट नहीं था उससे ज़्यादा इस मूवी ने कमाई कर ली है। तो अब इसको बायोकोट करे या कुछ और करे अब इस मूवी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये अगले हफ्ते और भी ज़्यादा कमाई करने वाली है। तो 2022 है जो रणवीर और आलिया के लिए बहुत बड़ा तोहफा लेके आया था। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय, जय हिंद।